नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। करल घिरोर मार्ग पर स्थित नवाडेड़ा चौराहे पर पीएस इंटर कॉलेज तथा सरस्वती विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रवर्तन अधिकारी कौशलेंद्र यादव उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता शिव ओमकार की रिपोर्ट। करहल घिरोर मार्ग पर स्थित नवाटेड़ा चौराहे पर आज पीएस इंटर कॉलेज नवाटेड़ा तथा सरस्वती विद्यालय नवाटेड़ा के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रवर्तन अधिकारी कौशलेंद्र यादव उपस्थित रहे। उनके नेतृत्व में बच्चों ने बाइक सवारों को रोका और उन्हें यातायात के नियमों के बारे में बताया। जो बिना हेलमेट चल रहे थे उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। आप हेलमेट लेकर चलने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। और जो ये फोर व्हीलर आती है गाड़ी में, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उनके लिए अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, जैसे कि ये हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो इन्हें हेलमेट लगाना चाहिए। हमें अपने घर वालों को और अपने पापा मम्मी को, सबसे अपने भाई बहनों से कहना चाहिए कि जहाँ भी ये निकले वहाँ हेलमेट लगाते हैं। करिश्मा जी, क्या आप बताएंगे कि जैसे हेलमेट लगाए हुए थे आपने उनको क्या कहा? बाइक को रोक के उन्हें हेलमेट के बाद जो हेलमेट लगाए उन्हें थैंक यू बोला, और नहीं लगाए उन्हें बोलना है कि आपको हेलमेट लगा के आना चाहिए। किस विद्यालय की आप छात्रा हैं? दंड का प्रावधान ना हो बल्कि उसमें जागरूकता करनी चाहिए, और समाज तभी जागरूक होता है जब दंडात्मक कार्रवाई भी होती है, साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलता है। हम लोग वो चालान करते हैं, गाड़ियां सीज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बेहद जरूरी समझते हैं कि समाज में संदेश देने के लिए स्कूल के छात्रों को इकट्ठा करें, चूँकि सभी विद्यालय से, सभी परिवारों से कोई ना कोई लड़का विद्यालय जाता है। अगर हम विद्यालय को कवर करते हैं तब ये मानते हैं कि एक बहुत बड़े समाज को हम कवर करते हैं। विद्यालय के छात्रों के माध्यम से हम ये संदेश देते हैं कि आप हेलमेट लगा करके चलिए। आज आपने देखा कि बच्चों ने खुद सबको रोका, और जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उनको हेलमेट की महत्ता समझाई, उनको खोल देकर उनसे प्रॉमिस लिया कम करके हेलमेट लगा के चलेंगे, और हेलमेट जो नहीं लगाए उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी। समाज के लिए बेहद जरूरी है हम सीट बेल्ट अभी नहीं लगाते। सर, आज जो है कुछ बच्चों को एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए AITO और थाना अध्यक्ष भी बनाया गया है। नहीं, मतलब ये है, हमने उनसे कहा कि आप खुद अधिकारी बन के चेकिंग करें, ऐसा नहीं कि हमने उनको कुछ बना दिया है, बल्कि हमने कहा कि इस जिम्मेदारी के साथ आप काम करिए, कि ये मत सोचिए कि जिले में हेलमेट पहनाने और सीट बेल्ट पहनाना काम केवल AITO या इंस्पेक्टर के, बल्कि आप सबका है। तो हर आदमी AITO बने और हर आदमी इंस्पेक्टर बने, ये हमारा मैसेज था। ठीक।